कल शाम का जो मैच हुआ वो तो एक्चुअली मिसमैच कहना चाहिए। देखिए जब भी सीएसके का मैच होता है तो उसमें एमएस धोनी के अलावा और किसी की बात करनी नहीं चाहिए। वो जो आपको स्कोर बोर्ड दिखता है ना, जिसमें किस बॉलर ने कितने रन बन कितने विकेट लिए और किस बैट्समैन ने कितने छक्के मारे और ये सब किया, ये सब दिखाना बेकार है। एक्चुअली एमएस धोनी वो जादूगर है जो वो स्कोर बोर्ड के पीछे वो सारे अपने पपेट्स चलाता रहता है। वो सारे सबके जो डोरी है वो उसके हाथ में होती है। स्कोर बोर्ड पे एमएस धोनी कभी नजर नहीं आता, बहुत कम नजर आता है आजकल पिछले कुछ सालों से, लेकिन मैच पूरा पूरा मैच के ऊपर उसी की छाप रहती है। और कहां नीतीश राणा और वो चंदू पंडित। एक तो नीतीश राणा जो है बेचारा, वो कैप्टन बना हुआ है केकेआर का, लेकिन अल्टीमेटली वो जो टीम को चला रहा है वो कोच चला रहा है चंदू पंडित। और चंदू पंडित को भी अभी समझ में आ रहा होगा कि वो उसने कितनी क्रिकेट खेली है और कितनी उसको समझ है। और उसको नहीं समझ में आ रहा हो तो बाकी लोग जिन्होंने क्रिकेट खेली है उनको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, रणजी टीमों को चलाना अलग चीज होती है, केकेआर में उसको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, ये मैंने पहले ही कहा था और अभी उसको पता चल रहा है। और जिस तरह की वो चॉपिंग और चेंजिंग कर रहा है उससे तो बिल्कुल भी भला नहीं होने वाला है। ये तो अब दिल्ली से भी नीचे चले जाएंगे, मुझे लगता है ये एक केकेआर ऐसी टीम है जो दिल्ली से भी हारी है, जो दिल्ली को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है उनके साथ, लेकिन उन्होंने भी केकेआर को हरा दिया है। तो ये मतलब आप सोचिए कि क्या हाल है चंदू पंडित की कोचिंग का और इसको कितनी समझ है। रहमानुल्ला गुरबाज खराब बैटिंग कर रहा था तो आपने उसको चेंज कर दिया, लिटन दास को लेके आए उसको एक मैच में ही बाहर कर दिया। इस तरह से आप क्या टीम बनाने वाले हो? मुझे तो लगता है अगर इस तरह की हरकतें इसने और की तो चंदू पंडित का ही पत्ता कट जाएगा, और कटना भी चाहिए, क्योंकि वहां नीतीश राणा को हम दोष नहीं दे सकते। वो बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, वो पिछले दो मैच हारने के बाद प्रेजेंटेशन में आके साफ साफ बोल देता है कि हाँ मेरी गलती है, या मुझसे नहीं हुआ, या हमको समझ में ही नहीं आया। वो बहुत ही ईमानदार लड़का है, वो उसको बेचारे के ऊपर वो गाज गिर पड़ी है श्रेयस अय्यर के अनफॉर्चुनेट अनफिट हो जाने की वजह से, लेकिन ये चंदू पंडित तो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और मैं टीम का पूरा कबाड़ा करके रखा है। किसी भी हालत में जेसन रॉय को चौथे पांचवें नंबर पे नहीं भेजना चाहिए। ये मैच जीतने के लिए जेसन रॉय चाहिए और आंद्रे रसेल चाहिए, और आंद्रे रसेल तो जो है उसको तो वो आठवें नंबर से ऊपर भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता क्या क्या कर रहा है। अब मुझे लगता है कि इसमें आंद्रे रसेल की बेचारे की कोई गलती ही नहीं है, उसको मौका ही नहीं दिया। जब आपको मालूम है कि एक मैच में वो आपको 30 बॉल में 15-17 बॉल, जब उसको 29 बॉल खेलने के बोलिए उसने रन बनाए, तो आप अभी भी उसको फिर वही 12 बॉल देते हो खेलने के लिए, और 6 ओवर में 100 रन बनाने का आप आंद्रे रसेल से एक्सपेक्ट करते हो? ये जाती है किसी भी बैट्समैन के साथ। टॉस जीत के आपने ये कहा कि भाई चलो चेन्नई आप बैटिंग करो, लेकिन अगर आपको मालूम है कि एक तो आपने पहली सबसे बड़ी गलती ये की है, आप अपने होम ग्राउंड पे जब आप स्पिनर्स के साथ खेल रहे हो तो आप स्पिनिंग विकेट क्यों नहीं बनाते हो? अब आप कहोगे कि नहीं स्पिनर्स चेन्नई के पास भी बहुत सारे हैं, तो भाई उससे क्या होता है, उनकी बैटिंग भी तो स्ट्रांग है। अगर आपने बैटिंग विकेट बना दिया तो उन्होंने वही किया जो कल करना था उनको, उन्होंने 235 रन ठोक दिए। अब आप देखिए ऐसे मैच में बाद में चाहे ड्यू आए या कुछ भी आए, आप क्या सोचते हैं? कल चलिए ड्यू नहीं आई, लेकिन अगर ड्यू भी आ जाती तो क्या हो जाता? एमएस धोनी वो जादूगर है कि वो फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता। 235 रन बहुत होते हैं चाहे ड्यू आए या ना आए। तो अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग है और बैटिंग विकेट है तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करिए और लगाइए 220 रन। कितने मैचेस हैं अभी तक आईपीएल की हिस्ट्री में, मेरे ख्याल से 200 मैचेस, 200 रन जितने भी मैचेस में बने हैं उसमें से कुछ 15-17 मैचेस ही चेज हुए हैं, जबकि 200 के ऊपर रन बने हैं करीब 115 मैचेस में। तो ये परसेंटेज बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर बैटिंग स्ट्रांग है तो आप टॉस जीत के बैटिंग करिए, अगर बैटिंग विकेट है तो, या नहीं भी है तो बैटिंग करके आप पहले रन बनाइए। हाँ, आपको अगर 100% पता है कि ड्यू आने वाली है, इस तरह का कोच है, तो आप बाद में कर सकते हैं। बैटिंग जिसकी स्ट्रांग हो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। केकेआर ने गलती कर दी, क्योंकि देखिए एक बार 20 ओवर का मैच हो जाता है उसके बाद कुछ ना कुछ तो डिटेरियोरेशन होता ही है, तो बाद में आपके बैट्समैन भी इनएक्सपीरियंस्ड है, केकेआर में बैटिंग में उतनी डेप्थ नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस वाइज, तो केकेआर को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, उन्होंने सीएसके को बैटिंग दे दी। और अजिंक्य रहाणे आजकल जिस फॉर्म में है और एमएस धोनी ने जो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है अजिंक्य रहाणे को, मुझे लगता है कि अगला ऑप्शन जो होगा वो अजिंक्य रहाणे के पीछे
जनता पड़ जाएगी और उसको 10-15 करोड़ रुपए का ऑफर पक्का मिलने वाला है जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, और मिलना भी चाहिए। वो बात अलग है कि वो सीएसके छोड़ना चाहता है या नहीं, लेकिन आप ये देखिए जिस सीएसके की बॉलिंग को हम कमजोर कह रहे थे, अब सीएसके में क्या होता है, एक तो उनका बॉलिंग कोच बहुत अच्छा है वो एरिक साइमंस जो है, दूसरी बात फिर सबसे बड़ा जादूगर महेंद्र सिंह धोनी जो है वो इस कदर कॉन्फिडेंस देता है कि वो बच्चे अब इतने ज्यादा भारी पड़ने लगे हैं कि पति राणा ने देखिए 4 ओवर में 27-28 रन दिए, वो आकाश सिंह ने 30 रन दिए हैं 4 ओवर में। और आप यहां पे अगर आपने एक चीज मिस की हो, आकाश सिंह से कल पहले 4 ओवर ही उससे डायरेक्ट डलवा दिए, मतलब 7-8 ओवर जब तक हुए थे तब तक आकाश सिंह का तो उस पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि देखिए आकाश सिंह की कोई बहुत एक्सप्रेस पेस नहीं है, एक्सप्रेस पेस काम आती है डेथ ओवर्स में। और आकाश सिंह अच्छी बॉलिंग कर रहा था और केकेआर के 2 विकेट शुरू में गिर गए थे, तो महेंद्र सिंह धोनी ने उसके ओवर वहीं खत्म करवा दिए, तो ये तो बोनस हो गया उसके लिए। मतलब 235 रन की चेज में अगर आपका कोई बॉलर 7 के रेट से अगर रन देके अपना स्पेल खत्म करता है, इससे ज्यादा बड़ी लॉटरी आपको क्या चाहिए। मुझे तो लगता है सीएसके का जब भी ये ऑप्शन होता है वहां ये जो नए बॉलर्स हैं या इवन नए बैट्समैन जो हैं उनको ना ये फ्रेंचाइज ओनर से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, रिटर्न में एप्लीकेशन देनी चाहिए कि देखिए आपसे हमको कोई पैसे नहीं चाहिए, हम आपको पैसे देते हैं, आप हमको सीएसके के कैंप में ले लीजिए। मतलब जिस तरह से एकेडमीज में जाते हैं ना लोग ट्रेनिंग लेने, क्रिकेट एकेडमीज में बच्चे जाते हैं वहां फीस देते हैं, उस तरह से इनको यहाँ सीएसके की एकेडमी में जाके पैसे दे के खेलना चाहिए और इनको बोलना चाहिए कि आप हमें टीम में रखो, भले ही मैच खेलाओ या मत खेलाओ, हमें नेट बॉलर या नेट बैट्समैन ही रहने दो आप, क्योंकि उससे बड़ी एकेडमी कुछ नहीं है। एमएस धोनी के साथ रहना, ये बच्चे समझते नहीं है कि इन लोगों को कितनी बड़ी लॉटरी लगी हुई है, ये जो पैसे इनको मिल रहे हैं वो तो बोनस है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस, ये एनकरेजमेंट और ये जो मोटिवेशन मिल रहा है ये इनको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा और किसी टीम में नहीं मिल सकता है। इतना पेशेंस किसी में नहीं है और ना इतना बड़ा लीडर कोई है। देखिए लीडर वो होते हैं जो एक सिपाही को जनरल बना दे, बाकी टीमों में ये है कि जनरल भी सिपाहियों की तरह खेल रहे हैं और वो भी अगले मैच में बाहर हो जाते हैं। हैट्स ऑफ टू एमएस धोनी, ये तो खैर कहने की कोई बात ही नहीं है। सीएसके के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके तो पूरी इंडिया उनका होम ग्राउंड है, तो वहां तो कल देखिए केकेआर को ऐसा लग रहा होगा कि हम क्या सीएसके के होम ग्राउंड में खेलने आए हैं। सीएसके के प्लेयर्स को सबसे बड़ा फायदा ये है कि धोनी की वजह से उनको जबरदस्त सपोर्ट मिलता है, जबरदस्त एनकरेजमेंट मिलता है। केकेआर वालों की तो कल हालत खराब थी और हवाइयां उड़ रही थी, मुझे तो लग रहा था कि केकेआर वाले खुद ही ताली ना बजाने लगे सीएसके के लिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बाकी प्लेयर्स अभी आप देखिए, मोइन अली सिर्फ एक मैच में चला है, अभी इन लोगों का नंबर है। बेन स्टोक्स जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कैप्टन है वो तो बाहर ही बैठा हुआ है, तो ये देखिए ये अभी तो ये प्यादों से काम करवा रहा है एमएस धोनी, अभी इसने वजीर तो अपने निकाले ही नहीं है मैदान में। आई एम श्योर 2 मैचेस तो मुइन अली इसको जिता के देने वाला है, और अगर कोई अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया, कोच हो गया, तो 2 मैचेस बेन स्टोक्स इसको जिताएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लड़के खेल रहे हैं, जिस तरह से टीम खेल रही है और जिस तरह से एमएस धोनी खिला रहा है इनको, तो अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंजरी वगैरह नहीं हुई तो पूरी टीम यही खेलती रहेगी फाइनल तक। और वो देखिए शिवम दुबे को तो मैं कहना ही भूल गया, वो शिवम दुबे जिसको कोई पूछता नहीं था उसको भी आखिर इसने हीरो बना दिया। और अजिंक्य रहाणे जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फेवर था सारी टीमों के लिए, और मतलब लोग बाग ये सोचते थे कि इसको आईपीएल की टीम में खरीदते क्यों है, आज ये हो गया कि वो हॉट प्रॉपर्टी हो गया। तो चलिए आज के मैच में, तो सीएसके के मैच जब हो तो धोनी के अलावा किसी और की बात करना ही बेकार है, इसलिए मैं किसी की बात कर ही नहीं रहा हूं। रही केकेआर की, तो वहां चंद्रकांत पंडित के अलावा और कोई हीरो है नहीं उनको मैच हरवाने में, मतलब बल्लेबाजी में जो बैटिंग ऑर्डर बनाया है उसमें क्या सोच रहे थे आप, सुनील नारायण को सीएसके रन बनाने देगी? जब 235 रन आपको बनाने हैं तो आप क्या सोच रहे थे कि सुनील नारायण आके और 17 बॉलों में 80 रन ठोक देगा? मतलब क्या समझ रखा है आपने? सुनील नारायण को जिसने कभी भी पिछले 10-15-20 मैचों में कभी ओपन नहीं किया, आज चंदू पंडित ने उसको ओपन करवाया। उसके बाद रसेल वो 8वें नंबर से नीचे लाने को तैयार नहीं है। रहा सहा जेसन रॉय जो एक बैट्समैन था उसको 5वें नंबर पे आपने भेजा। अब आप ये बहाना बना सकते हो कि नहीं वो तो इंजरी हो गई थी फील्डिंग करते टाइम, ये हो गया था वो हो गया था, लेकिन आपके पास जीतने का मौका तभी था जब आपकी जेसन रॉय ओपन करता
और वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता, वो पांचवें नंबर पे आके उसका क्या हुआ, उसने फिर भी हालांकि बहुत कुछ कोशिश की लेकिन रन इतने ज्यादा थे कि आप कितने मार सकते हो। चलिए मजेदार मैच हुआ सीएसके का, सीएसके तो जब जीतती है हम तो खुश होते ही है, आप भी खुश होंगे। आज का मैच बहुत मजेदार होने वाला है एसआरएच और दिल्ली के बीच में, और यहां किसी ने और किसी ने शायद मेंशन किया या नहीं किया लेकिन मुझे लगता है कि आज दिल्ली एसआरएच के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करेगी क्योंकि यहां वार्नर की पर्सनल दुश्मनी है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ और हो सकता है कि एसआरएच को वो पेनल्टी पे करनी पड़े। आज मिलेंगे शाम को मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।